दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के शीख कबाब हो गया। ये क्या बोलते हैं सो मटन है, उसका में किलो है, ये खीमा है, ये खीमा है और इसके मसाले है। धो के रख लेना, फिर इसको ग्राइंड करना पड़ता है मेरे को। ये मसाले है, ये क्या बोलते हैं सो पपई है, ये कच्ची पपई है, और क्या बोलते हैं सो एक डल्ला लहसुन का है, ये है लाल मिर्ची है ये, और ये हरी मिर्ची है, अपने हिसाब से ले लेना मिर्ची जितनी लगती हो। ये 5 टेबल स्पून बेसन है ये, और ये 2 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और क्या बोलते हैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला, पूरा होम मेड गरम मसाला है ये, शाहजीरा, इलायची, दालचीनी, कबाब चीनी सब मिला हुआ है, और ये 4-5 का कबाब चीनी के भी दाने हैं ये। ये इसको पूरा है ये पीस के, पूरे मसाले और मसाले लगाना है, आपको बताऊँगी मैं। ये खीमा पीसे बात, ये खीमे को अब ये पूरे प्याज और ये पपई, लाल सुखी मिर्ची, हरी मिर्ची, कबाब चीनी, ये लहसुन पूरा पीस के पे मोटा मोटा इसको लगा लेना, उसके बाद और मसाले हैं आपको बताऊंगी। चलो अपन ये खीमे को पीस लिए अपन ये, अब इसके बाद मैं जो मसाले बताए थे, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, और क्या बोलते हैं सो पपई, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन सब डाल के इसका पेस्ट बना लिया, इसमें सब मिक्स करना अपन ये। पानी नहीं रहना इसमें, ज़्यादा भी पानी नहीं रहना। पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 3 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर तो अपने हिसाब से डाल लेना कितना लगता, और ये 3 टेबल स्पून ले लेना ये बेसन और धनिया जीरा पाउडर सब मिला देना, गरम मसाला और ये प्याज पीसी, प्याज प्याज में पीस के अच्छा पानी निकाल लेना इसको, और नींबू 2 नींबू है अपन, इसमें नींबू मिला देना, फिर पूरा मिक्स करके फिर आपको बताएंगे। इसको 1 घंटा रख देना, 2 घंटे फ्रिज में। अब एक कोयले का स्टोव देना इसमें घी, और नहीं तो वो डालना होगा। चलो अपन कबाब, कबाब बनाने के लिए एक बनाने के ऐसे स्टिक ले लिए, ये ऐसे लंबे लंबे बना लेके रख लेना ये कबाब, इसके बाद फिर फ्राई करें जब आपको बताएंगे। चलो अपन फ्राई करना शुरू करें, ये अपन क्या बोलते हैं सो ये फ्राई पैन है, ये कबाब करते सो ये, अब तो सादे पैन पे भी तल सकते हैं अपन ऐसा, इसको बटर में तो तेल लगा के इसे ब्रश से तेल लगाना, कबाब बन के तैयार है। पसंद है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़्यादा करिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छे मज़े के बने, ऐसे बनाइए, खाइए, सब्सक्राइब ज़्यादा करिए।